अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बिल्कुल, आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा एक ऐसी डिश है जो हर घर में पसंद की जाती है, बच्चे हों या बड़े, सबको ये बहुत पसंद होता है। और इसको नाश्ते में भी हलवा पूरी के साथ बहुत खुशी से खाया जाता है। और मेरा जो हलवा बनाने का तरीका है वो बहुत आसान और क्विक है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सॉस पैन है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो आप हलवे को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। कुछ लोग इसको घी में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे घर में ऑयल का टेस्ट पसंद किया जाता है बनस्पत इसके के घी में बनाऊँ मैं उसको। अगर मुझे घी डालने का दिल करे तो मैं उसके ऊपर पकाने के बाद अलग से सिर्फ अपने लिए घी डाल लेती हूँ, लेकिन आमतौर पर मैं इसको ऑयल में ही बनाती हूँ। तो चलिए मैं अब चूल्हा जलाती हूँ। हमें ख्याल इस बात का रखना है कि सूजी जले नहीं, तो इसके लिए फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं किया है। अब मैं वेट करती हूँ कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो और फिर उसके बाद मैं इसमें सूजी शामिल करूँगी। तो देखें ऑयल गर्म हो गया है और यहाँ पे है मेरे पास 1 कप सूजी। मैंने मेजरिंग कप से इसको मापा था और फिर 1 कप सूजी इसमें बोल में मैंने निकाल ली थी। अब इसमें मैंने शामिल कर दी है सूजी और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। आपको सूजी का कच्चापन ख़त्म करना है और सूजी जब भुन गई है तो आपको पता चल जाएगा उसके रंग से, उसका रंग जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। मेरे पास ये सफ़ेद सूजी है, कई जगहों पे आपको थोड़ी सी ब्राउन कलर की भी सूजी मिलेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें। अब हम इसको इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखें अब सूजी जो है वो हल्की हल्की ब्राउन होने शुरू हो गई है। अब ये थोड़ा ही टाइम लेगी कम्प्लीटली ब्राउन होने में और इसको तकरीबन 10 मिनट मैंने भूना है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अमूमन होता ऐसे है कि जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी ली जाती है, यानी कि अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप चीनी आप इसमें शामिल करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास चीनी जो है वो बारीक है, मोटी चीनी नहीं है, मेरे पास कैस्टर शुगर की तरह की चीनी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करूँगी। आप मीठा कम अपनी फैमिली के हिसाब से भी कर सकते हैं और जिस तरह की चीनी आपके पास अवेलेबल है आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो क्वांटिटी चीनी की आपको मैं बता रही हूँ आप उसमें बनाएं। तो ये देखें अब इसका कलर बहुत खूबसूरत सा होता जा रहा है। आपने अब इसको मुसलसल हिलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि सूजी अब बहुत जल्दी जल जाएगी अगर आप इसको छोड़ देंगे। बस अब तकरीबन इसको मैं 30 सेकंड और भूनूंगी और उसके बाद फिर इसमें हम चीनी और पानी शामिल कर देंगे। तो चलें अब हम इसमें चीनी और पानी शामिल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 1 कप और उससे ऊपर, यानी मेरे पास टोटल 1.25 कप चीनी है और उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ उसमें पानी। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है, अब इसके ऊपर मैं 2 कप पानी और शामिल करूँगी। ये हो गया 2 कप। और ये 3 और फाइनली 4 कप, यानी 1 कप सूजी में मैंने 4 कप पानी डाला है। अब हम इसको मुसलसल हिलाएंगे वरना इसमें गुठलियां बन जाएंगी, तो हमें वो नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी हलवे में लम्प्स नहीं बनाने हैं।
फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, मीडियम से, बहुत हाई भी नहीं करना। इसी मिक्सिंग में चीनी भी डिसॉल्व हो जाएगी और हलवा आप देखेंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हलवा इतना पतला नहीं पसंद तो आप इसमें 4 की बजाय 3 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको खाली खाएं, पूरी के साथ खाएं, इसके ऊपर बादाम पिस्ते डालें, ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखें अब हलवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। अभी भी हम इसे कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहेंगे। अभी भी आप देखें कि पानी और सूजी अलग अलग है। जब ये बिल्कुल यकजा हो जाएंगे उसके बाद हम इसको हिलाना छोड़ देंगे। ये देखें अब हलवा पकने के करीब करीब है। आप देख सकते हैं कि पानी और सूजी एक हो गए हैं, यकजा हो गए हैं और अब इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लग गए हैं। तकरीबन हमने इसको टोटल 4 से 5 मिनट के लिए हिलाया है मुसलसल और अब हम इसको बॉईल आने तक हिलाते रहेंगे। ये देखें इसमें बबल्स आने लग गए हैं और ये बॉईल होने लग गया है। अब मैं इसका फ्लेम स्लो करके, बिल्कुल स्लो जैसे दम वाली आंच होती है, मैंने उतना स्लो इसका फ्लेम कर दिया है और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर होकर पकने दूंगी। ये देखें बबल्स अभी भी इसमें बन रहे हैं। तो चलें इसको कवर करती हूँ और फिर 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं। तो देखें 5 मिनट हो गए हैं और हलवा हमारा अच्छे से बबल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि उसमें बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो तैयार है। अब मैं फ्लेम कर रही हूँ ऑफ और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट। मेरे पास यहाँ पे एक बोल है जिसमें मैं ये शामिल करूँगी हलवा यूं। देखें आपका बोल जो है वो मीडियम साइज का फुल हो गया है और फिर भी आपके पास अभी इसमें हलवा है। इस रेसिपी में आराम से 6 से 7 लोग खा सकते हैं। अब आप चाहें तो आप इसको बादाम और पिस्ते से गार्निश करें। मेरे पास यहाँ पे कुछ बादाम और पिस्ते हैं कटे हुए, मैं ये थोड़े से इस पे शामिल करूँगी ताकि ये खूबसूरत भी लगे और इनके क्रंच से मज़े का भी। ये हो गए बादाम और ये हो गए कुछ पिस्ते जो कि मेरे पास कटे हुए हैं। तो चलें, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा और इसके अलावा आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी मैं अपने चैनल पर बनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।